नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजी सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट गार्लिक फ्रॉम इंडिया, यानी जिसको लहसुन बोलते हैं, लहसुन हम गार्लिक इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या देखा गया, कौन कौन सी कंट्री में इसका अच्छा डिमांड है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया से या फिर और दूसरी कंट्री से भी, HS कोड क्या है इसका, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, इसका बेनिफिट क्या, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, वो टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला, अगर हम हिंदुस्तान से इसका सोर्सिंग करने चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेट से इसका हम सोर्सिंग कर सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मार्केट साइज आपको यहां अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी वर्ल्ड गार्लिक मार्केट साइज की अगर हम बात करें, दैट इज अराउंड 5.63 बिलियन US डॉलर। बॉम्बे की मैं बात कर 5.6 बिलियन US डॉलर, अच्छी खासी क्वालिटी में क्वांटिटी में यहां पे इसका मार्केट साइज दिखाई दे रहा है। अगर इंडियन मार्केट साइज की हम बात करें, गार्लिक का कितना व्यापार हो रहा है इंडिया से, तो अराउंड 32,200 मीट्रिक टन पर ईयर एक्सपोर्ट हो रहा है गार्लिक का हिंदुस्तान से, और आप ही लोग इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो दैट इज अराउंड 307.11 करोड़, लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा का आप व्यापार कर रहे हैं पर ईयर गार्लिक का। देखिए छोटा सा प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है कि गार्लिक में क्या पोटेंशियल होगा, तो इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करेंगे, इसका ग्रोथ रेट क्या कर रहा है, तो जो वर्ल्ड वाइड इसका ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड इसका CAGR जो रहता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यहां 4.0%, यानी 4.0% का यहां पर CAGR ग्रोथ रेट दिखा रहा है फ्रेंड्स ग्लोबली। वर्ल्ड मार्केट की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, इंडिया में थोड़ा से और ज्यादा है। अगर डिमांड की बात करें, कौन कौन सी वो कंट्रीज है जो कि अभी इंपोर्ट कर रही है गार्लिक का डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, तो सबसे पहले पायदान पे आता है USA, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम 17% इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है 17% हम USA को करता है, तो उसके साथ में हमारा रिलेशन भी अच्छा है, बायलेटरल रिलेशन भी अच्छा है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 2530 US डॉलर का, दैट इज अराउंड 24.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी गार्लिक का इंपोर्ट हो रहा है, जितना गार्लिक का ट्रेड हो रहा है, उसमें 24.25% तो अकेला USA ही इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 1040 US डॉलर का, दैट इज अराउंड 10.56% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी भी यहां पर अच्छा खासा इंपोर्ट कर रहा है, जर्मनी कितना इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 2660 US डॉलर का, दैट इज अराउंड 10.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका 10.5% अकेला जर्मनी इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं यूके की, तो यूके यहां पे फोर्थ नंबर पे आता है, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम को हम आगे और भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप यहां पर ध्यान रखिए, गार्लिक का प्रोडक्ट आप यूके में भी लेके जा सकते हैं, जर्मनी में लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी लेके जा सकते हैं, आप USA में भी लेके जा सकते हैं। तो यूके में हम कितना है, यूके कितना इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 2007 US डॉलर का, दैट इज अराउंड 8.12% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं HS कोड की बात करूं, तो ये गूगल पे इजीली आपको मिल जाएगा, 07 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 03 होता है, तो इसका HS कोड है, गार्लिक का HS कोड है 07032000, इजीली आपको सर्च में मिल जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें कि ये इतना डिमांड में क्यों है गार्लिक, तो गार्लिक सबसे पहले उसका हेल्थ बेनिफिट आता है, इट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, यानी जैसे आपको कोई गुस्सा आता है या फिर आपका कोई नुकसान हो जाता है या फिर कोई फाइट हो जाती है, तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर गार्लिक का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है इसमें, रिड्यूस हार्ट अटैक रिस्क, यानी हार्ट अटैक का रिस्क ये रिड्यूस करता है, रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट का हम अलग से एक वीडियो भी बनाया था, यानी जिस भी प्रोडक्ट में, यानी फ्रूट्स वेजिटेबल या किसी भी प्रोडक्ट में अगर एंटीऑक्सीडेंट है, उसको आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी उम्र थम सी जाती है, यानी 40 साल की एज में भी आप 30 के लगते हैं, मैं हर वीडियो में इसको बताता हूं, इट हेल्प यू टू लिव लॉन्गर। देखिए इसका कोई प्रूफ तो नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप लंबी जिंदगी जी सकें, क्योंकि हार्ट अटैक आपको होने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं इंप्रूव योर बोन्स हेल्थ, यानी जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम रहता है, तो इसमें भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है,
नेक्स्ट जो बेनिफिट है जो कि गर्ल्स इसको ज़्यादा पसंद करती है, इट प्रोड्यूस द ग्लो ऑन द फेस, यानी चेहरे पे आपका एकदम से ग्लो आ जाता है। तो इसको लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन ये बाय नेचर गर्म होता है। तो मैं सलाह नहीं दूंगा इसको आपको ज़्यादा खाने के लिए, आप इसको कम क्वांटिटी में खा सकते हैं। यानी एक जो उसकी छोटी जो ये रहती है गोली, जो एक गार्लिक का एक ये रहता है कली रहती है, उसको आप खा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप मत खाइए फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की, यानी कौन कौन वो कंट्री जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है गार्लिक का, तो सबसे पहले नंबर पायदान पे आता है चाइना। चाइना यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड 22.2 लाख मीट्रिक टन का। अगर इंडिया की बात करें तो सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। यहां दोस्त आप लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, हम लोग सेकंड नंबर के प्रोड्यूसर है। कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? अराउंड 17.2 लाख मीट्रिक टन का, 17 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पर ईयर गार्लिक का। लेकिन हम इसमें एक्सपोर्ट में अभी पीछे, हमें आगे आने की जरूरत है। यानी सेकंड नंबर के हम प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्ट करने में हम 14 नंबर पे हैं। तो यहां बहुत बड़ा गैप है, जिस गैप के लिए हमने कदम उठाया कि अपने एक्सपोर्टर्स के, अपने किसान भाइयों का साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है और उनको राह दिखानी है, गाइड करना है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में अच्छा प्राइस ले सके और कोई भी किसान सुसाइड ना करें और वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना अच्छा पैसा कमा के अपनी फैमिली में अच्छा अच्छी जिंदगी जी सके। तो सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया 17.2 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी यहां पीछे नहीं है। बांग्लादेश यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 4.6 लाख मीट्रिक टन का। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया 3.3 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर इजिप्ट की बात करें 2.8 लाख मीट्रिक टन का इजिप्ट प्रोडक्शन कर रहा है। स्पेन 2.7 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूएसए यहां पर 2.6 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है पर ईयर। अगर ईपीसी की बात करें तो देखिए खाने पीने की चीजें, तो इससे मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसमें अपेड़ा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर उसका आपको आरसीएमसी लेना है तो 5000 से 6000 रुपए के बीच में आपको उसका आरसीएमसी मिल जाएगा। आप अपेडा का आरसीएमसी लीजिए और अपना स्टार्ट कर दीजिए एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं कि अगर मैं हिंदुस्तान से रहने वाला हूं और मैं कौन कौन से स्टेट से इसका सोर्सिंग अच्छा कर सकता हूं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है राजस्थान। तो राजस्थान के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो राजस्थान यहां पर प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 52.8% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन, यानी हिंदुस्तान में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो 32,000 प्रोडक्शन हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन में इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% यानी लगभग आधा 52.8% अकेला आपको राजस्थान से देखने को मिल जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में इसका प्रोडक्शन हो रहा है अराउंड 17.12 यानी 17.12% का उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अगर आप रहने वाले तो वहां से भी आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राजस्थान से रहने वाले तो राजस्थान से भी आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात भी यहां पीछे नहीं है। गुजरात 13.72% पूरा इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 13.72% अकेला गुजरात कर रहा है। तो गुजरात में अगर आप रहने वाले तो गुजरात से भी आप गार्लिक लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है पंजाब, पंजाब से अगर आप रहने वाले तो पंजाब में भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है। पंजाब में कितना प्रोडक्शन हो रहा है अराउंड 6.7% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। तो पंजाब से भी आप इसका लेके प्रोडक्ट को, आप गार्लिक को इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर की, टॉप एक्सपोर्टर्स की, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। तो देखिए चाइना यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है 2.0 बिलियन यूएस डॉलर का। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 2.0 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 71.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 71% अकेला चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। और अभी बायकॉट चाइना का मुहिम चालू हो रहा, कैंपेन चालू हो रहा, डिफरेंट कंट्रीज बायकॉट कर रही चाइना को। तो अभी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास में, मैं हिंदुस्तान, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास में। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हिंदुस्तानी जो भाई बहन है, आप सब लोग अभी आगे आइए और अपने गार्लिक प्रोडक्ट को या भी और डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं, आप लेके जाइए, आप पैसा कमाइए, अपना भी इकोनॉमिक ग्रो कीजिए और हिंदुस्तान का भी इकोनॉमिक ग्रो कीजिए। आपके हाथ में अभी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है फ्रेंड्स, आप लोग आगे आइए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर दो पे,
तो नंबर दो पे यहाँ पे स्पेन आता है। स्पेन अगर देखिए तो प्रोडक्शन, मैंने जैसे बताया था प्रोडक्शन कंट्री, वो सिक्स नंबर की प्रोडक्शन कंट्री है और दो नंबर के प्रोडक्शन कंट्री हम है, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 14th नंबर रैंक पर, और स्पेन 6 नंबर पे प्रोडक्शन में था और एक्सपोर्ट में 2 नंबर में। तो फ्रेंड्स हमें देखना होगा कि हमें प्रोफेशनलिज्म लाना होगा और हमें इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ना होगा। तो स्पेन यहाँ पे 2 नंबर पे आता है, स्पेन यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 359 मिलियन यूएस डॉलर, 359 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 12.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 131.7 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। नीदरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है 78.9 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहाँ पे 32.4 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 1.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। इजिप्ट की अगर बात करूं तो इजिप्ट यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 2.27.3 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 1.0% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, एंड सो ऑन। और लास्ट में देखेंगे तो 14th नंबर पे हम लोग आते हैं, जो एक शर्म की बात है, मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा कि इंडिया 14th नंबर पे क्यों है। हमें अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखना होगा और 14th नंबर से हम 2nd नंबर पे आए, उसके बाद हमें 1st नंबर पे आना है। तो 14th नंबर पे इंडिया है, इंडिया कितना यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है, 5.5 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज ओनली 0.2% का। तो फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से कि आप लोग आगे आइए और हर एक उस किसान का भी सपोर्ट कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और हर एक उस किसान को आप ये वीडियो भी शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और वो भी ट्रेडर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर इस प्रोडक्ट को आप लेके इंटरनेशनल मार्केट में आप जा सकते हैं तो आप जरूर जाइए, आप अच्छा पैसा भी कमाइए और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट कीजिए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि मार्केट में आना चाहते हैं। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।